हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन और बिना खड़े मसाले के पनीर मक्खनी, जिसे बनाना जितना आसान है उतनी ही ये चटपटी और टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। आप अपने मनपसंद के किसी भी शेप में पनीर को काट सकते हैं। अब पनीर को मैरिनेट कर लेंगे, तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। जरा सी हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 नमक। नमक मैंने सिर्फ पनीर के हिसाब से डाला है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों से हमने पनीर को अच्छे से कोट कर लिया है, लेकिन फ्राई करते समय मसाले जो है ना वो ऑयल में निकल जाते हैं, इसलिए मैं बस 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना मसाले वो पनीर को अच्छे से चिपक जाएंगे और ऑयल में फ्राई करते समय निकलेंगे नहीं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम पनीर को 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें 4 बड़े साइज़ के लाल लाल टमाटर लिए हैं, उसे रफली चॉप्ड कर लिया है, तो इसे डाल देंगे। 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं, तो इसे भी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची। तो हम हरी इलायची हमें सैगी नहीं डालनी है, हम इसके सिर्फ बीज निकाल कर डालेंगे। आज की रेसिपी में हम ज़्यादा मसालों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ हरी इलायची का ही यूज़ कर रहे हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। तो चलिए अब इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस पर चढ़ाने के बाद अब हम इसे पैन को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे इसी तरह होने देंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना आ जाए। तो चलिए अब पनीर को चेक कर लेते हैं। तो पनीर अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। गैस की दूसरी साइड हम पैन रख लेंगे, उसमें थोड़ा बटर डालकर पनीर को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखा था ना, उसे फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो रहा है, तब तक हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो इसे बीच में थोड़ा चला लेंगे और थोड़ा और सॉफ्ट होने देंगे। अब इसे थोड़ी देर खुला ही पका लेंगे। तो देखिए, पनीर हमारा एक साइड से हो गया है। अब हम इसे फोक से इस तरह से दूसरी साइड पलट लेंगे और पनीर को दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर एकदम बढ़िया पक गए हैं। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। पनीर को हमें हल्का हल्का ही फ्राई करना है। तो पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे निकाल लेंगे। ये पनीर बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, आप चाहे तो ऐसे स्नैक्स में भी खा सकते हैं। मैं सेम पैन में सब्जी बना रही हूँ जिसमें हमने पनीर फ्राई किए थे। इसमें थोड़ा बटर डालेंगे, आप चाहे तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और ऑयल अच्छा गर्म हो जाने पर इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। अब 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले ना। तो इसमें 1 पिंच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब इन्हें ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि गैस ऑन रखकर मसाले डालेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो भी गर्म है और हमारा जो पैन है ना वो भी गर्म है। तो इसमें हल्के आँच में हमारे मसाले अच्छे से सिक जाएंगे। जो टमाटर और काजू को पकाकर हमने प्यूरी बनाई थी ना, तो उसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसे डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे। मसालों को और प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। इसमें 1 चम्मच चीनी और स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैन को कवर कर लेंगे। 3 से 4 मिनट पकने के बाद मसालों ने ऑयल को छोड़ दिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 1/2 कप। और उसी बाउल को थोड़ा सा घोल कर ले लेंगे जिसमें मैंने टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया था। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एक उबाल आने देंगे। तो अब हमें पैन को कवर नहीं करना है, हम खुला ही पकाएंगे। होटल में जब भी पनीर या पनीर की तरह कोई भी मसालेदार सब्जी बनती है, तो उसको एक बढ़िया टेस्ट देने के लिए उसमें टमाटो केचप या टमाटो सॉस का यूज़ किया करते हैं। तो सबसे लास्ट में अब हम डालेंगे इसमें टमाटो केचप। तो मैंने 1 चम्मच के करीब टमाटो केचप लिया है, इसे डाल देंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही चटपटा आता है। और लास्ट में हम इसे थोड़ी कसूरी मेथी है, जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया, उसे डाल देंगे। इसमें अच्छा उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। बिना प्याज और बिना लहसुन के हमारी पनीर मक्खनी बनकर तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें हमने बिल्कुल भी मसालों का यूज़ नहीं किया है।
ये बहुत ही सिंपल, सोबर और बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही कम मसालों में एकदम चटपटी पनीर मखनी बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है और इसकी खुशबू तो बहुत ही सुंदर आ रही है। तो इसकी खुशबू से तो पूरा घर महक रहा है। तो देखिए बिल्कुल तैयार है, बिना प्याज और बिना लहसुन और बिना खड़े मसाले से बनी पनीर मखनी। ये बहुत ही टेस्टी बन लगती है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।